आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, श्री गुलाम नबी जी, और एक प्रकार से आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्रीमान हरिवंश जी, चंद्रशेखर जी के सभी परिवारजन और उनकी विचार यात्रा के सभी सहयोगी बंधुगण, आज के राजनीतिक जीवन में राजनीति के परिदृश्य में जीवन व्यतीत करने के विदाई के बाद 2 साल के बाद भी शायद जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है। लोग भी भूल जाते हैं, साथी भी भूल जाते हैं, और शायद इतिहास के किन्हीं कोने में ऐसे व्यक्तित्व खो जाते हैं। इस बात को हमें दर्ज करना होगा कि उनकी विदाई के करीब 12 साल बाद आज भी चंद्रशेखर जी हमारे बीच में उसी रूप में जीवित हैं। मैं हरिवंश जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक तो उन्होंने एक काम किया और दूसरा ये काम करने की हिम्मत जुटाई। हिम्मत इसलिए कि हमारे देश में वातावरण ऐसा बन चुका है कुछ कालखंड से, जिसमें राजनीतिक छुआछूत इतनी तीव्रता पे है कल तक हरिवंश जी एक पत्रकारिता जगत से आए हुए निष्पक्ष और वैसे ही राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के रूप में काम करने वाले व्यक्ति, लेकिन शायद इस किताब के बाद पता नहीं हरिवंश जी पे क्या क्या लेबल लगेंगे। चंद्रशेखर जी, उनके साथ काम करने का तो हमें सौभाग्य नहीं मिला है। तो पहले उनको मिला था मैं 77 में, मिलना का था अवसर मिला। कुछ घटनाएं मैं जरूर यहां शेयर करना चाहूंगा। एक दिन मैं और भरोसे शेखावत दोनों हमारी पार्टी के काम से दौरे पर जा रहे थे और दिल्ली एयरपोर्ट पर हम दोनों थे। चंद्रशेखर जी भी अपने काम से कहीं जाने वाले थे तो एयरपोर्ट पे दूर से दिखाई दिए चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, तो बैरसी जी मुझे पकड़ करके साइड में ले गए और अपनी जेब में जो था सब मेरी जेब में डाल दिया। और इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था, ये सब मेरी जेब में क्यों डाल रहे हैं? इतने में चंद्रशेखर जी आते ही चंद्रशेखर जी ने पहला काम किया बैरोसी के जेब में हाथ डाला। और इतनी रोक थे, तब सब जाएगी क्यों डाला? क्योंकि बैरोसी जी को पान पराग और तमाकू ऐसी खाने की आदत थी और चंद्रशेखर जी उसके बड़े विरोधी थे। जब भी भरोसे जी मिलते थे वो छीन लेते थे और कूड़े कचरे में फेंक देते थे। अब इससे बचने के लिए भरोसे जी ने अपना सामान मेरी जेब में, कहां जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी विचारधारा और कहां चंद्रशेखर जी और उनकी विचारधारा। लेकिन ये खुलापन, ये अपनापन और भरोसे जी को
भविष्य में कुछ न हो जाए इसकी चिंता चंद्रशेखर जी को रहता, ये अपने आप में बड़ी बात है। चंद्रशेखर जी अटल जी को हमेशा व्यक्तिगत तौर पर भी और सार्वजनिक तौर पर भी गुरु जी कहकर के बुलाते थे और हमेशा संबोधन गुरु जी के नाते करते थे, और कुछ भी कहने से पहले सदन में भी बोलते थे तो गुरु जी आप मुझे क्षमा करिए, मैं जरा आपकी आलोचना करूंगा, ऐसा करके कहते थे। अगर आप पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो ये उनकी संस्कार और उनकी गरिमा प्रतिपल झलकती थी। आखिरकार जिस समय कांग्रेस पार्टी का सितारा चमकता हो, चारों तरफ जय जयकार चलता हो, वो कौन सा तत्व होगा जिस इंसान के भीतर, वो कौन सी प्रेरणा होगी कि इसने बगावत का रास्ता चुन लिया? शायद बागी बलिया के संस्कार होंगे, शायद बागी बलिया की मिट्टी में आज भी वो सुगंध होगी, और जिसका परिणाम था इतिहास की दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण मैं नजर करता हूं। जयप्रकाश नारायण जी बिहार, महात्मा गांधी गुजरात, देश आजाद होने के बाद देश के प्रधानमंत्री का निर्णय एक गुजराती को करने की नौबत आई तो उसने एक बिन गुजराती को चुना, और लोकतंत्र की लड़ाई में विजय होने के बाद एक बिहारी को प्रधानमंत्री तय करने की नौबत आई, उसने एक गुजराती को प्रधानमंत्री चुना। उस समय यह था चंद्रशेखर जी बनेंगे या मुरारजी भाई बनेंगे, और उस समय मोहनलाल धारिया, क्योंकि मुझे चंद्रशेखर जी के कुछ साथियों के साथ जो संपर्क जब मेरा ज्यादा रहा उसमें मोहन धारिया जी के साथ रहा, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहा, और उनकी बातों में चंद्रशेखर जी के आचार और विचार ये हमेशा प्रतिबिंबित होते थे और आदरपूर्वक होते थे। और भी लोग होंगे जिनका शायद मेरा संपर्क नहीं आया होगा। चंद्रशेखर जी बीमार रहे और मृत्यु के कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले उनका टेलीफोन आया मुझे, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, तो उनका भाई दिल्ली कब आ रहे हो? मैंने कहा बताइए साहब क्या है? नहीं ऐसे ही एक बार अगर आते हो तो घर पे आ जाइए बैठेंगे, मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं खुद चला आता। मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपने मुझे फ़ोन करके याद किया है, तो मैं उनके घर गया और मैं हैरान था जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लंबे देर तक मुझसे बातें की और गुजरात के विषय में जानने का प्रयास किया, सरकार के रूप में क्या क्या चल रहा है वो जानने का प्रयास किया, लेकिन बाद में देश के संबंध में उनकी सोच क्या है, समस्याएं क्या दिख रही हैं, कौन करेगा कैसे करेगा, भाई तुम लोग नौजवान हो देखो क्या, यानी और बड़े भावुक भी थे। वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी, लेकिन आज भी वो अमिट छाया, विचारों की स्पष्टता, जन सामान्य के प्रति कमिटमेंट, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण, ये उनके हर शब्द में निखरता था, प्रकट होता था। चंद्रशेखर जी, ये किताब हरिवंश जी ने जो रखी है उसमें हम चंद्रशेखर जी को तो भली भांति समझने का अवसर मिलेगा, लेकिन उस कालखंड की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को संबंध में हमें जो अब तक बताया गया है उससे इसमें बहुत कुछ विपरीत है।
और इसलिए हो सकता है कि एक वर्ग इस किताब को उस रूप में भी एनालिसिस करेगा, क्योंकि उस समय इतना, और एक हमारे देश में फैशन है कि कुछ लोगों को कोई कुछ अधिकार प्राप्त है, रिजर्वेशन है वहां। आज छोटा मोटा लीडर भी 10-12 किलोमीटर पद यात्रा करे तो 24 घंटों टीवी चला लेगा, मीडिया के पहले पन पर छप रहेगा। चंद्रशेखर जी ने चुनाव के इर्द गिर्द नहीं, पूर्णतया गांव गरीब किसान को ध्यान में रख के पद यात्रा की। इस देश ने उसको जो गौरव देना चाहिए नहीं दिया, हम चूक गए। और दुर्भाग्य, मैं बड़ा दर्द के साथ कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य उनके विचारों के सब इनमें विवाद हो सकता है, आज भी किसी को इतराज हो सकता है, वही तो लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन बहुत जानबूझकर के सोची समझी रणनीति के तहत चंद्रशेखर जी की उस यात्रा को डोनेशन, करप्शन, पूंजीपतियों के पैसे, इसी के इर्द गिर्द चर्चा में रखा गया। ऐसा घोर अन्याय सार्वजनिक जीवन में अखरता है। मैं नहीं जानता हूं हरिवंश जी ने इस पाठ को इसमें लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन मैंने उस बात को निकट से अध्ययन करने का प्रयास किया था। हमारे देश की एक और बात रही, आज की पीढ़ी को पूछा जाए कि देश में कितने प्रधानमंत्री हुए, शायद किसी को पता नहीं। कौन हुए, बहुत कम लोगों को पता होगा। बहुत प्रयत्नपूर्वक भुला दिए गए। ऐसी स्थिति में हरिवंश जी आपने बहुत बड़ी हिम्मत की है, आप बधाई के पात्र हैं। हर किसी का योगदान है, लेकिन एक जमात है, माफ करना मुझे, देश आजाद होने के बाद बाबा साहब अंबेडकर की छवि क्या बना दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि क्या बना दी गई, ये तो कुछ समझते नहीं है, ये तो ढिकने हैं, फलाने हैं, वगैरह वगैरह। लाल बहादुर शास्त्री जी, वे भी अगर जिंदा लौट करके आए होते और जीवित होते तो ये जमात उनको भी पता नहीं क्या क्या प्रकार के रूप में प्रदर्शित कर देती। लाल बहादुर शास्त्री जी बच गए क्योंकि उनकी शहादत बहुत बड़ी चीज बनी। उसके बाद फलाना प्रधानमंत्री क्या पीता है मालूम होगा, मोरारजी भाई के लिए यही चर्चा चला दी गई। फलाना प्रधानमंत्री मीटिंग में भी सोता है, फलाना प्रधानमंत्री तो बैकस्टैप करता है, यानी जितने भी हरेक को एक ऐसे टाइटल दे दिए गए ताकि उनका काम, उनकी पहचान दुनिया को हो ही नहीं, भुला दिया गया। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मैंने ठान ली है, दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्री, सभी, उनका एक बहुत बड़ा आधुनिक म्यूजियम बनेगा। सभी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवारजनों से, मित्रों से मेरा आग्रह है कि वो सारी चीजें इकट्ठी करें ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले, हाँ, चंद्रशेखर जी हमारे प्रधानमंत्री थे और उनके जीवन में ऐसी ऐसी विशेषताएं थी, उनका ये योगदान था। चरण सिंह जी की ये विशेषताएं थी, योगदान था। देवगौड़ा जी के ये योगदान है। आई के बिराल जी का ये योगदान है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ये योगदान है। सभी राजनीतिक छुआछूत के परे,
एक नए राजनीतिक कल्चर की देश को आवश्यकता है, उसको हम इसी प्रकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी आज भी अगर सही पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने लिया जाए तो आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते हैं। आज भी उनके चिंतन से यंग तरका मिजाज डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ उभर करके आ सकता है, अनडेमोक्रेटिक रास्ते उसको छूने का जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बराबर याद है जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना था उनको, यहां दिल्ली में तूफान मच गया था और वो भी कोई आईबी के पुलिस वाले के कारण। देश की सरकार दुनिया में जब लिखा जाएगा कि किसी पुलिस वाले के कारण सरकारें गिर सकती है, उस दिन मैं नागपुर में था, अटल जी अडवाणी जी का एक कार्यक्रम था वहां, लेकिन उनका जहाज बाद में आना था, मैं पहले पहुंचा था। तो जहां मेरा स्थान था वहां पर चंद्रशेखर जी का फोन आया, मैंने फोन उठाया, सीधे ही वो फोन पर थे। उन्होंने कहा भाई गुरु जी कहाँ है? मैं कहता साहब अभी तो उनका जहाज पहुंचा नहीं है, शायद आने में एक घंटा लगेगा। बोले मैं वेट कर रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे बात कराइए और उनको बता दीजिए कि मैं इस्तीफा देने का मन बना चुका हूं, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूं। दिल्ली में जो कुछ भी घटनाएं हो रही थी, अटल जी उस दिन नागपुर थे, मैं उस कार्यक्रम के लिए व्यवस्था के लिए वहां पहुंचा था, लेकिन चंद्रशेखर जी उस समय भी गुरुजी जिनको कहते थे अपना आखिरी निर्णय से पहले उनसे बात करने के लिए बड़े वातूर थे। ऐसी अनेक विशेषताओं के साथ जिन्होंने देश के लिए इतना पूरा जीवन और ये परिसर एक प्रकार से देश के दलित पीड़ित शोषित वंचित गरीब जिनके दुख दर्द को अपने में समेटे हुआ एक इंसान 40 साल तक अपनी जवानी इसी परिसर में खपा के गया एमपी के रूप में, उसी परिसर में आज हम शब्द देह से उनको फिर से एक बार पुनर्स्मरण कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के हम भी देश के सामान्य मानव के लिए कुछ करें, यही उनके प्रति सच्ची आदरांजलि होगी। मैं फिर एक बार हरिवंश जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देते हुए उनके परिवारजनों को भी याद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।